हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ इंग्लिश से 25 फाइव इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही हैं इंग्लिश की जो हमारी दोनों किताबें चलती हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुट प्रिंट विदाउट फिट तो दोनों को मिला के जो टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया हुआ है तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन और उसके आंसर्स को समझते हैं और हाँ हमें आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि इन 25 में से आपने कितने के सही जवाब दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है वेयर वाज लेंचोज हाउस लेंचो का घर इसमें से कहाँ पर था ऑप्शन से नियर द सी ऑप्शन बी है एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑप्शन सी एट द बॉटम ऑफ अ हिल या फिर इन अ वैली राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी एट द टॉप ऑफ अ हिल नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डज मैंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज मैंडेला के अनुसार करेज का क्या मतलब होता है ऑप्शन है ट्रंप ओवर फियर ऑप्शन बी है ट्रम्प ओवर लव ऑप्शन सी है ट्रंप ओवर पुवर्टी या फिर ऑप्शन डी होगा ट्रंप ओवर सेल्फिस तो राइट right आंसर इसका होगा ट्रम्प ओवर फियर क्वेश्चन नंबर थ्री है हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर इनमें से कौन है ऑप्शनस है लियाम ओ फ्लैट दी ऑप्शन बी है फ्रेडरिक फॉरसिथ ऑप्शन सी है रॉबिन क्लीन या फिर ऑप्शन डी होगा पोलो कोयलो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लियाम ओ फ्लैट दी चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को फोर नंबर है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट डस्ट ऑफ स्नो इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शनस है हीलिंग पावर ऑफ नेचर ऑप्शन बी है पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑप्शन सी है कूल cool वेदर या फिर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल जो टाइगर है वो वाटर होल के समीप या फिर नियर में हम कर सकते हैं क्या इसमें से शिकार करता है ऑप्शन है फॉक्स ऑप्शन बी है जिराफ ऑप्शन सी है डियर या फिर ऑप्शन डी होगा डॉग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डियर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन है व्हाट नेम एनी गेव टू हर डायरी एनी ने अपनी डायरी का क्या नाम इसमें से रखा था तो ये आपको पता ही होगा कि एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा किटी चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को सेवन नंबर है व्हाट हैपेंड इन द क्लास दैट मेड एवरी वन लाइफ क्लास में ऐसा क्या होता है जिससे कि सभी कोई हंसने लगते हैं तो ऑप्शन है टीचर कॉल्स एनी अ डक ऑप्शन बी है ऑल स्टूडेंट्स प्रोमोटेड टू नेक्स्ट फ्रॉम ऑप्शन सी है एनी फ्रैंक डिसीजन टू कीप क्वाइट इन क्लास या फिर ऑप्शन डी होगा मैथ्स टीचर स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टीचर कॉल्स एनी अ डक टीचर ने एनी को डक कहा था इसीलिए पूरा क्लास हंसने लगा था क्वेश्चन नंबर एट है व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड राजवीर क्यों एक्साइटेड था ऑप्शन से बिकॉज ही हैड स्पॉटेड कॉफी गार्डन ऑप्शन बी है बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन ऑप्शन सी है बिकॉज ही हैड स्पॉटेड वीट गार्डन या फिर इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो वर्ड बीवरेज है इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन है ए नूरिसिंग इटेबल ऑप्शन बी है ए डिलीशियस फूड ऑप्शन सी है ए हेल्दी फूड सूप या फिर ऑप्शन डी होगा ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक क्वेश्चन नंबर टेन है वट यू मीन बाई कंपल्सिव हैबिट्स कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब इसमें से क्या होगा ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स ऑप्शन बी है गुड हैबिट्स ऑप्शन सी है एडिक्टिव हैबिट्स या फिर ऑप्शन डी होगा हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल तो राइट right आंसर आपका यही हो जाएगा हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन है व्हाट डज द पोएट कॉम्पेयर फायर विथ पोएट ने फायर को किसके साथ कॉम्पेयर किया है ऑप्शन है हेटर्ड ऑप्शन बी है डिज़ायर ऑप्शन सी है हॉट या फिर ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं राइट right आंसर होगा डिज़ायर फायर को डिज़ायर के साथ पोएट ने कॉम्पेयर किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच लैंड वेयर दे फाइटिंग अबाउट जो नटालिया और लोमोव थे वे कौन से लैंड के लिए फाइट कर रहे थे ऑप्शन है ऑक्सन मीडोज ऑप्शन बी है बर्च वुड्स, ऑप्शन सी है बर्ट मार्स या फिर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑक्सन मीडोज क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वाट प्रॉब्लम डज मिसेज पम्फरे थिंक ट्रिकी हैज मिसेज पम्फरे के अनुसार ट्रिकी में कौन सा प्रॉब्लम था उसको ऐसा लग रहा था ऑप्शनस है डायरिया ऑप्शन बी है माल न्यूट्रिशन ऑप्शन सी है एलर्जीज या फिर इनमें से सारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है अनिल वाज डैश इयर्स ओल्ड व्हेन द थीफ हिम अनिल कितने साल का था जब वह चोर से मिला ऑप्शन है थर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव या ट्वेंटी राइट आंसर इसका ट्वेंटी फाइव होगा अनिल वाज अनिल अब इसमें से क्या था रेसलर था फुटबॉलर था क्रिकेटर था या चेस प्लेयर था राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रेस्टलर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हाउ डिड फॉलर फील आफ्टर मीटिंग ओजेबल फॉलर जब ऑजेवल से मिलता है तो उसको कैसा फील होता है वो एक्साइटेड होता है ओवरवेलम्ड होता है डिसअपॉइंट होता है या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डिसअपॉइंट हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है वेयर वाज ऑजेबल स्टेइंग ओजिबल कहाँ पर रुकता है फॉलर्स के घर में फ्रेंच होटल में मैक्स के घर में या फिर फ्रेंच इन में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंच होटल में क्वेश्चन नंबर एटीन है हु इज़ द ऑथर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ़ ट्रस्ट ये जो चैप्टर है ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसके ऑथर कौन है ऑप्शन है जेम्स हेरोवाइट, रस्किन बॉन्ड ऑप्शन सी है रॉबर्ट आर्थर या फिर ऑप्शन डी है विक्टर कैनिंग राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी विक्टर कैनिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हॉरेस डेनवी वाज सफरिंग फ्रॉम हॉरेस डैनवी जो थे इनमें से किस चीज से सफर्ड कर रहे थे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हे फेवर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ग्रिफिन द साइंटिस्ट वाज मेकिंग ग्रेफिन जो कि एक साइंटिस्ट था वो इसमें से क्या बनाता है ए वॉकिंग प्लांट ए टॉकिंग प्लांट इनविजिबल फुटप्रिंट्स या फिर एन इनविजिबल मैन तो इसका राइट right आंसर क्या होगा एन इनविजिबल मैन चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन है वाट डज फॉग लुक ओवर ऑप्शन है ओवर हाउसेस ऑप्शन बी है ओवर द हार्बर एंड द सिटी ऑप्शन सी है ओवर ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ओवर द हार्वर एंड द सिटी नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है वाट डज द फॉग लुक ओवर देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट हो गया है सेम क्वेश्चन है आपका आंसर यही ऑप्शन बी होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज जो तहसीलदार था वो रामलाल के गांव में क्यों आता है ऑप्शन है टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरोमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल ऑप्शन सी है टू अटेंड राधाज वेडिंग ऑप्शन सी है टू मीट द विलेज पीपुल या फिर ये सारा होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ये ओपनिंग सेरोमनी गर्ल्स स्कूल की जो ओपनिंग सेरोमनी थी तो उसमें परफॉर्म करने के लिए आया था ठीक है तहसीलदार नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वाट वॉज रॉन्ग विथ सुलेखा सुलेखा के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा था ऑप्शन है सी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन ऑप्शन बी है सी हैज सी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड हर फेस ऑप्शन सी है सी स्पोक विथ हार्ट्स या फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव ये सारा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव सारे इसमें कुछ गलत चीज़ें उसके साथ हो रही थी आइए लास्ट एक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम इन्वेजन इनमें से कौन सा बुक अर्थ को इन्वेजन से बचा सकता था ऑप्शंस है ए बुक ऑफ साइंस ऑप्शन बी है ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स ऑप्शन सी है ए बुक ऑफ मिलिट्री टेक्निक्स या फिर ऑप्शन डी होगा ए वर्ल्ड इनसाइक्लोपीडिया राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सो आज के लिए इतना ही दूसरे वीडियोज़ में और भी हम आप लोग को अदर सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह से मोस्ट 25 फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे और एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें थैंक यू बाय बाय